वंशा, राजाओं के राजा, जहांपनाओं के जहांपना, सम्राटों के सम्राट, बादशाह मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर पधार रहे। तशरीफ रखिए। जहांपना, हम आपको सूचित करना चाहेंगे कि सरकारी गोदाम की हालत खस्ता है। आधे से ज्यादा सरकारी गोदाम खाली पड़े हैं। ऐसा क्यों बलदेव? क्या इस साल पैदावार नहीं हुई? अपना मसला ये नहीं है, मसला ये है कि इस बार किसानों के खेतों से उनकी फसल चोरी हो रही है जहांपना, और इसी मसले को लेकर ये किसान बाहर खड़े हुए हैं। उन्हें रोका किसने? आपने? जहांपना, हम क्यों रोकेंगे? हम तो आपके सामने खड़े हुए हैं। हाँ तो उन्हें बुलाइए, पेश कीजिए हमारे सामने। जी 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 जहांपना, किसानों को पेश किया जाए। जहांपना की जय हो। जहांपना की जय। तो बताइए हमें, कौन चोरी कर रहा है आपके खेतों से फसल? डाकू कृपाल सिंह का भूत जहांपना है। बड़ा कायर भूत मालूम होता है, लगता है जरूर भूखा मरा होगा। नहीं, डाकू कृपाल सिंह बहुत ही निर्दयी और खूंखार डाकू था जहांपना। गांव वालों से जबरन लगान वसूलता था। उसके जुल्म से तंग आकर पूरे गांव वालों ने 2 साल पहले मिलकर उसे मार डाला और एक बिजुका के नीचे उसके शव को गाड़ दिया था। बिजुका? यह किस चिड़िया का नाम है? वा? नहीं नहीं वासु, बिजुका किसी चिड़िया का नाम नहीं होता। बिजुका वो होता है जो किसान अपनी खेतों में लगाते हैं, अपनी लहराती हुई फसल चिड़ियों से बचाने के लिए। बिजुका वो जो खेत में ऐसे खड़ा होता है। हाँ सरपंच जी, आप क्या कह रहे थे? हमारा मानना है कि उसी बिजुखा के अंदर डाकू कृपाल सिंह की आत्मा घुस गई है। आए दिन तरह तरह के उपद्रव मचाता रहता है और आजकल तो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। रात को हमारी फसल जला देता है जहांपना। जहांपना, हमें निजात दिलाइए, नहीं तो हम भुखमरी से मर जाएंगे। गांव के आधे खेत तो वो भूतिया बिजुखा जला चुका, अब आधे को बचा लीजिए जहांपना, आधे को बचा लीजिए। क्या हो सकता है इस बिजुखा का राज? वहां जाकर देखना होगा। क्यों बीरबल? जहांपना, इतनी छोटी सी समस्या के लिए वहां आपका जाना मुनासिब नहीं होगा। अपनी रियासत की तकलीफ दूर करने के लिए हम कहीं भी जा सकते हैं बलदेव, और हम जरूर जाएंगे। बाप, बिजू का हमारे घर से बकरी उठा ले गया है और तो और खेत से वो घर तक भी पहुंच चुका है। पंडित जी, एक बात समझ में नहीं है, ये जो आपका डाकू है, डाकू कृपाल सिंह, इसकी दुश्मनी तो गांव वालों से, तो फिर वो बकरी क्यों उठा रहा है? एक बकरी से उसकी क्या दुश्मनी? हम वो सब नहीं जानते राजा बीरबल, हमें तो ये पूरा यकीन है कि उस बिजुका के अंदर उस खूंखार डाकू कृपाल सिंह की आत्मा छुपी है। हम तो आपको यही सलाह देंगे कि उससे दूर रहिए। लेकिन पंडित जी, इस तरह इस बिजुका का आतंक दूर होगा कैसे? इस मसले को हल करने के लिए हमें बिजुका तक पहुंचना ही होगा। फिलहाल ये बिजुका मिलेगा कहाँ? खेत में है जहांपना। ये बिजुका तो शान से खम्बे की तरह यहाँ पर खड़ा हुआ है, और गांव वालों का मानना है कि इसके अंदर आत्मा आती है। गांव से बकरी तक चुराई है इसने। जहांपना, मान लिया जाए कि इसने बकरी चुराई है, लेकिन सवाल उठता है कि इसने बकरी रखी कहां होगी? आप क्या घूर घूर के देख रहे हैं बीरबल? जहांपना, ये देखिए, इस बिजुका के आसपास काफी गड्ढे हैं। ऐसा लगता है कि इस बिजुका को बार बार किसी ने अपनी जगह से उखाड़ कर यहाँ वहां गाड़ दिया। ऐसी बिजुका को करने की जरूरत क्या है? इसके अंदर तो आत्मा है, ये खुद ही कूद कूद कर यहाँ वहां गड्ढे बना रही होगी। भूत प्रेत आत्मा, आपको सचमुच लगता है कि इस बिजुका के अंदर किसी की आत्मा है? किसी की नहीं, डाकू कृपाल सिंह की आत्मा। जहांपना, गांव वालों का कहना है कि बिजुका के नीचे डाकू कृपाल सिंह को दफनाया गया था। इसकी खुदाई करनी होगी,
ताकि कोई सुराग मिल सके। सिपाहियों, राधे 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 राधे, हम आपको ऐसा हरगिज नहीं करने देंगे। सोए हुए राक्षस को जगाकर आप हमें मृत्यु के मुंह में क्यों ढकेलना चाहते हैं? सही है जहांपनाह, अगर सोया हुआ डाकू एक बार जाग गया तो पूरे गांव को मौत की नींद सुला देगा। अरे लेकिन कोहराम तो पहले से ही इस बिजुका ने मचा रखा है। बिजुका ने किसी की जान तो नहीं ली, बस फसल और जानवर तो ही चुराए हैं। इससे अच्छा है कि आप हमें हमारे हाल पे छोड़ दे जहांपनाह। देखिए माताजी, हम आपकी बात समझते हैं, लेकिन यहाँ का निरीक्षण करने के बाद हमें ऐसा लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे कृपाल सिंह की आत्मा नहीं है। राधे राधे, आप जब पूरी रात जागकर निरीक्षण करेंगे ना राजा बीरबल, तब आपको पता चलेगा। ऐसी बात है तो जहांपनाह आप आज्ञा दें तो बिजुका को हम महल के अंदर ले चलते हैं और रात भर इसकी निगरानी करते हैं। मंदिर जी, इस बिजुका को उखाड़ कर महल ले जाकर क्या सिद्ध होगा? राजा, आप तो हर बात पर टांग अड़ाने की कोशिश क्यों करते हैं? जहांपनाह, आप इजाजत दें तो बिजुका को महल में ले चलते हैं और पूरी रात निगरानी करते हैं। उसके बाद हमें यकीन है कि सारे राज से पर्दा जरूर उठ जाएगा। अगर आपको अपने यकीन पे इतना यकीन है तो ठीक है, ले चलिए इस बिजुका को हमारे महल। बलदेव जी, हम अब भी इस बिजुका को महल में लाने के हित में नहीं। तो ठीक है, आप घर जाइए, माँ के हाथ का पका हुआ स्वादिष्ट खाना खाइए, आराम कीजिए। हम है ना बिजुका की निगरानी करते हैं, जाइए जाइए। नहीं नहीं, हम भी देख लेते हैं। अच्छा सिपाही, राजा बीरबल, हम आपको दिखाते हैं कि निगरानी कैसे की जाती है। ये क्या हुआ? ये किसने किया? लगता है किसी ने डाकू कृपाल सिंह की आत्मा को बिजुका से अलग कर दिया। अरे बलदेव जी, आत्मा? सिपाही, ये किसने किया? पता नहीं राजा बीरबल, हम तो यहीं बाहर ही पहरा दे रहे थे। अगर आप बाहर पहरा दे रहे थे तो अंदर ये सब कैसे हुआ? पता नहीं राजा बीरबल, हम तो अभी अभी आए, सुबह हमारी जगह सिपाही जागर सिंह पहरा दे रहे थे और उसने हमें बोला था कि हम रात को आए। ये आवाज है किस? ये मेरा होते हुए महल में क्या चिल्लम चिल्ली चल रही है? ये रात को सोने का वक्त होता है, क्या कर क्या रहा है ये? अरे डाकू कृपाल सिंह की आत्मा हो, हट जाओ, गांव वालों से मुझे मेरी मौत का बदला लेना है। कौन है हमारे महल में जो इतना शोर मचा रहा है? शाही खून है हम। क्या हुआ? हमें मत मारिए, हमें मत मारिए। अरे शहजादे सलीम, क्या हुआ? शहजादे सलीम, कौन चिल्ला रहा था? कृपाल सिंह डाकू का भूत हमें अंधा बनाकर चला गया। भूत? गजब हो गया, गजब हो गया, गजब हो गया। क्या हुआ? डाकू कृपाल सिंह के भूत ने खजांची को घायल कर दिया और खजाने से 10,000 सोने की असरफिया लेकर भाग गया। फसल और जानवर के बाद खजाने पर भी हाथ साफ। हम बेकार ही बिजुका को महल में लेकर आए और आपको तो रोकना चाहिए था राजा बीरबल। बड़े आए राजा बीरबल। एक भूत सोने की अश्रुफे के साथ क्या करेगा? कहीं इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं? जिस दिन से बिजुका ने बादशाह का खजाना साफ किया है
उस दिन से बिजुका दिखाई नहीं दे रहा सरपंच जी। लगता है जब से उसको सोने की असरफी मिली है बिजुका का पेट भर गया है। बड़े शर्म की बात है कि डाकू कृपाल सिंह का भूत हमारे शाही खजाने से हजारों अशर्फियां चुरा ले गया और हम कुछ कर भी नहीं पाए। गुस्ताखी माफ हो जहांपनाह, लेकिन हमारे सिपाहियों को भूत पकड़ने की विद्या सिखाई नहीं गई है। और आपको चुप रहने की विद्या नहीं सिखाई गई है, खामोश रहिए आप। विद्या नहीं सिखाई गई है। दखल अंदाजी के लिए माफी चाहते जहांपनाह, सतपुड़ा गाँव के निवासी आपसे मिलने आए हैं। भेजिए उन्हें अंदर, भेजिए। जी जहांपनाह। जहांपनाह की जय हो। जान दें आप लोग यहाँ क्यों आए। आप लोग अपने नुकसान का मुआवजा लेने आए हैं और हम आप वायदा करते हैं कि नहीं जहांपनाह, हम कोई मुआवजा नहीं चाहते। तो फिर क्या चाहते हैं आप? हम तो आपको ये बताने आए हैं कि कल हमें फिर से खेत में बिजुखा दिखा था। रुको गांव वालों, मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया है। डरो मत, तुम लोगों को मैं बहुत सता चुका हूँ, पर अब तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। ये लो ये धन मेरे किसी काम का नहीं है, पर तुम लोगों की जिंदगी इससे बेहतर हो सकती है। तुम लोगों को मैंने बहुत सताया, पर अब तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। और बिजुखा ने पूरे गांव वालों को 50-50 असरफियां दी है जहांपनाह। ये देखिए सिपाही, वो अशरफियां यहां लाई। ये तो सोने की है जापन। तब तो पूरा गांव सो गया होगा। वासु, सोने की मतलब असली असली अशरफियां हैं ये। ओ जापना, इसका मतलब ये हुआ कि अब तक हम बिजुका को गलत समझ रहे थे। ये तो बहुत नेकी का काम कर रहा है, गांव वालों में सोने की अशरफियां बांट रहा है। हमें लगता है कि बिजुका को इनाम मिलना चाहिए। जैसी हैसियत वैसी सोच। राजा बीरबल, एक डाकू का भूत जो खजाने को लूट कर चला गया, आप उसे इनाम देने की सिफारिश कर रहे हैं? लेकिन काम तो वो अच्छा ही कर रहा है बलदेव, वो गरीबों में धन बांट रहा है। और वैसे भी शाही खजाना होता किसके लिए? रियासत के लिए, आवाम के लिए, लोगों के लिए। इसका मतलब कि बिजू का रियासत का धन रियासत तक ही पहुंचा रहा है। वाह, अरे मैं तो बिजू का कायल हो गया। वाह, हम इस बिजू का को 50,000 सोने की मोहरों का इनाम देना चाहते हैं। अगर हो सके सरपंच जी, तो हमारा ये ऐलान बिजू का तक पहुंचा दीजिए। धन्य धन्य हैं आप जहांपनाह, और वो बिजू का भी गरीबों की तो चांदी हो गई। अरे भले मानस, जब वो सोने की मोहरे बांट रहा है तो तुम लोगों की चांदी कैसे हो गई? सोनी हुई ना, और मेरा मतलब सोना हुआ ना। अरे कहाँ रह गया ये बिजुका? अरे कब से हम 50,000 अशरफियां लेकर बिजुका का इंतजार कर रहे हैं। तो सरपंच जी, आप तो कह रहे थे गांव वालों की चांदी हो जाएगी, कहां से हो जाएगी चांदी जब आपको मिलेगा ही नहीं है चंदा? आपका तो पड़ जाएगा धंधा मंदा। चुप कर। आसू सरपंच जी,
आपने हमारा संदेश बिजुका को पहुंचा दिया था या नहीं? जी खुद खेत जाकर बिजुका जी को सूचित कर दिया था सहजादे। बिजुका ने आने का वादा भी किया है। वासु, बिजुका ने वादा किया है लेकिन बिजुका अभी तक आया क्यों नहीं? पिताजी जरूर बिजुका सजने सवरने में व्यस्त होगा। क्या बिजुका? बोलो दयावान बिजुका महाराज की। बोलो दयावान बिजुका महाराज की। बिजुका जी, जहां पना ने आपके लिए 50,000 मुद्राएं दी, स्वीकार की। गांव वालों, दो बिजुका? असली बिजुका मैं हूँ, मैंने तुम्हें अशरफिया बांटी थी। दो 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 बिजुका। असली बिजुका मैं हूँ, मैंने तुम्हें अशरफिया बांटी थी। दो 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 बिजुका। अरे लेकिन ये कैसे हो सकता है? गांव वालों, असली बिजुका मैं हूँ, मैंने तुम्हें अशरफिया बांटी थी। अच्छा अच्छा, असली बिजुका मैं हूँ, मैंने तुम्हें अशरफिया बांटी थी। गांव वालों, असली बिजुका मैं हूँ, मैंने तुम्हें अशरफिया बांटी थी। मैंने बांटी थी? नहीं, मैंने बांटी थी। बीरबल आप? बिजुका आप हैं? बलदेव जी, असली बिजुका हम नहीं। बिजुका ये सिपाही, गिरफ्तार कर लीजिए इसे। मतलब जहां पना, ये आपकी और राजा बीरबल की चाल थी? आप? जी हाँ बलदेव, जब बिजुका ने हमारा खजाना चुराया तो बीरबल हमारे पास। जापना हमारे महल में एक सिपाही है, जागीर सिंह नाम है उसका। तफ्तीश के दौरान हमें पता चला कि उसने अपने साथी सिपाही के साथ बिजुका के कक्ष के बाहर पहरेदारी की अदला बदली की। हमें सोच रहे थे कि ऐसा उसने क्यों किया, क्यों वो दिन में पहरा देना चाहता था। हमें शक हुआ कि हो ना हो सिपाही जागीर सिंह ने ही खजाने की चोरी की और फिर कृपाल सिंह डाकू का भूत बनकर भाग गया। हमने तुरंत पहरेदारों को उसके घर भेजा पर वहां से वो फरार हो चुका था। और फिर उसके कमरे की तफ्तीश के दौरान हमें पता चला कि ये सिपाही जागीर सिंह कोई और नहीं जापना, डाकू कृपाल सिंह का बेटा है। हमें समझते देर नहीं लगी कि ये सब सिपाही जागीर सिंह का किया धरा है। फिर हमने और बीरबल ने सोचा कि क्यों ना एक दयावान बिजुका का नाटक किया जाए। तुम लोगों को मैं बहुत सता चुका हूँ, पर अब तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। ये लो। नाटक तो एक बहाना था, असली मकसद तो सिर्फ असली बिजुका को पकड़ना था। और फिर हमारी बनाई योजना के अनुसार जहां बना ने बिजुका की तारीफ की और बिजुका को इनाम देने की घोषणा की, जागीर सिंह इनाम की लालच में आ गया, बिजुका बनकर सामने आया और पकड़ा गया। तुम्हारा खेल खत्म। सिपाही ले आइए जागीर सिंह को। हमें माफ कर दीजिए जापना। ऐसे कैसे माफ कर दे तुम्हें जागीर सिंह, तुम तो अपने पिता से भी बड़े डाकू निकले। तुम्हारा मकसद सिर्फ और सिर्फ हमारे खजाने को लूटना था। हाँ जापना, इसलिए हमने पहले इसकी शुरुआत गांव से की, क्योंकि हमें पता था शिकायत के बाद ये मसला दरबार तक पहुंचेगा ही, और फिर अपने पिता का भूत बन के हमने अपनी चाल को अंजाम दिया जापना। लेकिन शायद तुम्हें ये नहीं पता था कि हमारे दरबार में एक बहुत ही दानिशमंद और अकलमंद इंसान है जिसका नाम है बीरबल, जिससे बचना मुश्किल ही नहीं
नामुमकिन है। सिपाही जागीर सिंह को हम नौकरी से बर्खास्त करते हैं और इसे 8 साल की कैद बामुशक्कत की सजा सुनाते हैं। ले जाओ इसे। जापना माफ कर दो मुझे, जापना मुझे माफ कर दो, जापना मुझे माफ कर दो, जापना मुझे माफ कर दो। जापना,